let it bang bang. Hello everyone, assalamu alaikum, this is Mahi, welcome to my channel. आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक मैजिकल DIY मॉइस्चराइज़र शेयर करूंगी और इस मॉइस्चराइज़र के रिजल्ट्स इतने अमेजिंग हैं और इसको बनाना बहुत ही आसान है. बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको प्रिपेयर करेंगे और इसको इकट्ठा बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं और इसके जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो एक्सपेंसिव मॉइस्चराइजर्स को भी बीट कर सकते हैं. एंड द ग्लो दैट यू आर गोइंग टू गेट ऑन योर स्किन, आप खुद हैरान रह जाएंगे इस मॉइस्चराइजर को यूज करके. एंड स्किन इतनी स्मूथ एंड रेडिएंट होती जाएगी, अगर डार्क स्पॉट्स हैं वो भी रिड्यूस होंगे, अनइवन स्किन टोन अगर है वो भी आहिस्ता आहिस्ता इवन आउट होगी. विंटर्स में भी स्किन इतनी ग्लोइंग फील होगी और ये मॉइस्चराइजर बिल्कुल भी ग्रीसी या ऑयली फील नहीं देगा. फौरन से स्किन में ये अब्सॉर्ब हो जाता है और स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज कर देता है. इस मॉइस्चराइजर को आप लोग जरूर बनाकर जरूर ट्राई करके देखिएगा और मेरी वीडियो को आप बेशक लाइक अभी मत कीजिएगा, इस मॉइस्चराइजर को बनाएं, इसको अप्लाई करें और उसके रिजल्ट्स देखें. एंड आई एम श्योर कि वापस आकर आप मेरी वीडियो को जरूर लाइक करने वाले हैं बिकॉज आई नो कि इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं. पहले देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको किस तरीके से यूज करेंगे और कितने अरसे तक आप इस मॉइस्चराइजर को स्टोर करके रख सकते हैं. सबसे पहले हमें चाहिए एलोवेरा जेल, अप्रोक्सीमेटली 3 टेबल स्पून हम लेंगे एलोवेरा जेल के और ये एलोवेरा जेल हम मार्केट वाला ही लेंगे बिकॉज हमें इसको स्टोर करके रखना है. अब इसमें 1 टीस्पून ग्लिसरीन ऐड करेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स या फिर इसमें 1 टीस्पून विटामिन ई ऑयल भी ऐड कर सकते हैं. दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप इसमें ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे आलमंड ऑयल, अगर तो आपकी ऑयली स्किन है फिर इसमें 1/2 टीस्पून आलमंड ऑयल ऐड करेंगे और अगर ड्राई स्किन है तो फिर इसमें 1 टीस्पून आलमंड ऑयल ऐड करेंगे. अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और जनाब वीडियो बनाने के साथ साथ मैं ग्रेपफ्रूट जूस भी पी रही हूँ. आप कुछ भी स्किन पर लगा लें, जब तक आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी तो ये सारी चीज़ों का सिर्फ 50% इम्पैक्ट ही आपकी स्किन पर आएगा. 100% रिजल्ट के लिए अपनी डाइट पर ध्यान दें, फ्रूट खाएं, फ्रेश जूस पिएं. ये देखें इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इस तरह से इसका टेक्सचर होगा. और अब इसमें फ्यू ड्रॉप्स लेमन जूस के ऐड करेंगे, बट जिन लोगों को लेमन जूस से एलर्जी है वो इसको ऐड नहीं करेंगे या फिर जिनकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है और जिनको लेमन जूस सूट नहीं करता वो लोग भी इसको ऐड नहीं करेंगे. बाकी जिन लोगों को लेमन जूस सूट करता है तो वो इसमें फ्यू ड्रॉप्स लेमन जूस के भी ऐड करेंगे. अब इसको फिर से बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि लेमन जूस जो है वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए. अच्छा, लेमन जूस के जस्ट फ्यू ड्रॉप्स ही लेने हैं, ज़्यादा लेमन जूस नहीं इसमें ऐड करना. और ये अब हमारी बहुत ही अमेजिंग सी ब्राइटनिंग एंड ग्लोइंग क्रीम रेडी है. अगर स्किन पर ग्लो नहीं है, स्किन पर डार्क स्पॉट्स हैं, ब्राउन स्पॉट्स हैं, वो इससे रिड्यूस होंगे, स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड रेडिएंट होगी और ये सारी स्किन टाइप वाले ये मॉइस्चराइजर जो है वो यूज़ कर सकते हैं. चाहे आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, नॉर्मल या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है, सब लोग इसको यूज़ कर सकते हैं. और इसको सिर्फ फेस पर ही नहीं, आप इसको हाथों पाँव पर भी अप्लाई कर सकते हैं, अपनी नेक पर अप्लाई कर सकते हैं, इवन आप अपनी पूरी बॉडी पर इसको अप्लाई कर सकते हैं. अच्छा, इस मॉइस्चराइजर को आप इस तरह के किसी ग्लास जार में स्टोर करके रख सकते हैं और ये 1 मंथ तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा. आप इसको रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं, इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है. एंड आफ्टर 1 मंथ आप इसको न्यू बना लें. इस मॉइस्चराइजर को आप डे टाइम में भी अप्लाई कर सकते हैं, नाइट टाइम में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आपने कहीं धूप में बाहर निकलना है तो फिर आप ये क्रीम यूज़ मत करें क्योंकि इसमें जो लेमन जूस ऐड है वो धूप में इसको लगाकर जब आप निकलेंगे तो आपको ज़्यादा सन टैन हो सकता है. बट अगर आप घर में ही हैं तो फिर आप इसको डे टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं, नाइट टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं. और ये देखें इसका टेक्सचर जो है वो कितना स्मूथ है और ये फौरन से स्किन में अब्सॉर्ब हो जाती है, बिल्कुल भी ग्रीसी फील नहीं होती. बट ये क्रीम, ये मॉइस्चराइजर थ्रू आउट द डे आपकी स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट रखेगा. इस मॉइस्चराइजर को जरूर बनाइएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा और आई नो इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं. सो या ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में.